नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। इनके एरिया के डकरा और चूरी परियोजना में संयुक्त मोर्चा ने बुधवार को गेट मीटिंग किया। गेट मीटिंग की अध्यक्षता गोल्डेन प्रसाद यादव और अमर भूषण सिंह ने संयुक्त रूप से किया। गेट मीटिंग का संचालन शैलेश कुमार ने किया। गेट मीटिंग के दौरान यूनियन प्रतिनिधियों ने कोयला कामगारों के 11वां वेतन समझौता में हो रहे विलंब से नाराज केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर 9 दिसंबर को इनके महाप्रबंधक कार्यालय के समक्ष आयोजित विरोध प्रदर्शन में अधिक से अधिक मजदूरों को आने की अपील की गई। साथ ही सरकार और प्रबंधन के ढूलमूल रवैये से नाराज लोगों ने जमकर नारेबाजी की। जैसा है कि हम लोग का मजदूरों का NCW 11-18 महीना से लंबित है और हमारा केंद्रीय शीर्ष नेतृत्व के आह्वान पर दिनांक 9 तारीख को सभी कोल इंडिया के इकाइयों और एरिया स्तर पर विरोध प्रदर्शन करने का लिया गया है। इसी माध्यम से आज हम लोग सभी संयुक्त मोर्चा के प्रतिनिधिगण चूरी परियोजना में मजदूरों के बीच में आके जागरूक किए हैं और उनसे अपील किए हैं कि दिनांक 9 तारीख को जो महाप्रबंधक कार्यालय के समक्ष एक दिवसीय धरना प्रदर्शन को सफल बनाना है और अपनी एकजुटता को बनाए रखना है। वेतन समझौता को लेकर आज हम लोग चूरी के में गेट मीटिंग किए हैं और गेट मीटिंग के माध्यम से मजदूरों को बताने आए हैं और सरकार को भी चेतावनी देने आए हैं कि अविलंब अगर वेतन समझौता नहीं लागू करोगे तो आने वाला दिन कोयला उद्योग पूरा बंद रहेगा। आज NCW 11 में प्रबंधक के अड़ियल नीति के कारण अब प्रबंधक और मजदूर की सीधी सीधी आर पार की लड़ाई शुरू हो गई है और यूनियन प्रतिनिधि ने 9 तारीख की जो विशाल पूरे कोल इंडिया स्तर पे प्रदर्शन का आगाह किया है तो इससे स्पष्ट है कि अब कोल इंडिया प्रबंधक और मजदूर के बीच सीधा सीधी आर पार की लड़ाई जारी हो गई। साथियों, आज चूरी के पीट ऑफिस पर 11वां वेतन समझौता जल्द से जल्द लागू हो इसके लिए आज गेट मीटिंग किया गया। ये गेट मीटिंग इनके क्षेत्र के तमाम परियोजनाओं में घूम घूम करके किया जा रहा है। मजदूरों को जागरूक किया जा रहा है कि 9 दिसंबर को मुख्य महाप्रबंधक कार्यालय पर एक बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन करना है। ये विरोध प्रदर्शन तमाम परियोजनाओं में होते हुए सारा जुलूस के शक्ल में वहाँ पहुँचेगा। विरोध प्रदर्शन का कारण कि हमारा वेज बोर्ड समझौता जल्द से जल्द लागू करो इसके लिए किया जा रहा है और हम चाहेंगे कि हमारे इनके क्षेत्र के तमाम कामगार साथियों इस जुलूस में चट्टानी एकता का परिचय हुए वहाँ पर जुलूस करें, धरना प्रदर्शन करें ताकि इस ताकत को दिखाएं, ताकि इस पर प्रबंधन जो है और कोल इंडिया और केंद्र सरकार जो है इस पर ध्यान दे और जल्द से जल्द कामगार साथियों का वेतन समझौता लागू करें जो कि 18 महीना विलंब हो चुका है वो जल्द लागू। वी टाइम न्यूज़ के लिए खलारी से मनोज प्रसाद की रिपोर्ट।